Hello everyone, here I am getting ready to visit Fancy Market after so long, so I am so happy and excited as well. आप लोग देख ही सकते हो बहुत बहुत दिनों के बाद Fancy Market का एक ब्लॉग आएगा तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप सब लोग देख सकते हो फ्लावर मार्केट होकर अंदर जा रहे हैं हम, तो जनरली हम लोग इधर से ही जाते हैं। तो भूख भी लग रही थी तो हम लोगों ने चिकन मोमो का ऑर्डर किया था और दुकान का नाम याद नहीं है पर बहुत ही बेहतरीन बनाया था, टेस्टी था, यम्मी था। तो बाहर आके ही देखा कि इतना ज़्यादा भीड़ तो नहीं है तो हम लोग स्टार्ट कर दिए शॉपिंग करना। मम्मी के लिए एक चप्पल खरीदने गए थे, ये ब्लैक कलर का, बहुत ही पसंद आया मम्मी को। फिर हम लोग यहाँ का कलेक्शन देखा, ज़्यादा लेटेस्ट एंड ट्रेंडी नहीं है बट 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है तो एक बार सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। बर्गेनिंग फिर भी करना, अगर कुछ अगर अच्छा लगे तो जो कॉस्ट आपको मांगता है प्राइस उसी को मत दे देना, एक बार ट्राई करना बर्गेनिंग का। बाहर तो आप सभी को पता ही है 50 रुपीज़ से स्कर्फ, सलवार कमीज, दुपट्टा जो भी चाहिए यहाँ पे मिल ही जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ होता है फैंसी मार्केट। और MS बैग हाउस मेरे हिसाब से मैं रेकमेंड करती हूँ कि बैग्स खरीदना है तो MS बैग हाउस से लो, क्योंकि इसका कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बाहर आप लोग गणेशगुड़ी मार्केट, चांदमारी, वहाँ पर भी मिल जाएगा चीपेस्ट प्राइस में, पर यहाँ पर थोड़ा सा दाम ज़्यादा बोलता है, पर आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो बर्गेनिंग करने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो कुछ लिया नहीं है क्योंकि दाम मेरे से लिया नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होता है तो मैं बाहर से ही खरीदती हूँ। पर्सनली आई बिलीव कि चीपेस्ट प्राइस में लेना ही बेहतर होगा तो मैं गणेशगुड़ी से ले लेती हूँ, पर यहाँ पे देख के मज़ा आता है MS बैग हाउस में। तो बाहर भी थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए हम लोग गए, ज्वेलरी भी खरीदी मेरी दोस्त ने, और जो भी नेसेसरी सामान हमको चाहिए था जो हमारे डे टू डे लाइफ में चाहिए तो वो सब मैंने खरीदा, लिपस्टिक वगैरह। फिर हम लोग गए ओम बुक्स दुकान में, ये जो शॉप है ये क्रिश्चियन के लिए नहीं है, बाकी सारे लोग भी जा सकते हो। आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो बुक्स, खुद के लिए भी अगर पढ़ने के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे रूम डेकोरेशन का सामान और बाकी कुछ भी फ्रेम्स वगैरह चाहिए, की चेन चाहिए, वॉल हैंगिंग चीज़ें चाहिए तो आप लोग ये सब खरीद सकते हो, खुद के लिए, दोस्तों के लिए भी खरीद के गिफ्ट कर सकते हो। और पीछे और एक दुकान है जो कुछ ट्राइवल का सामान मिलता है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, मुझे माफ़ करना। आज का घूमना फिरना शॉपिंग करना हो गया, वापस जा रहे घर। आई होप आप सभी को ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।